एंड यू इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज बायोग्राफी ऑन महात्मा गांधी तो अब ऐसे पे आते हैं जो आपके कोर्स में है व्हाट्स इट अबाउट सो इन द से बेसली रोमेन रोला इज रोमेन रोला इज डिस्क्राइबिंग हाउ यंग विवेकानंद मेड इज एडवेंचरस जर्नी टू शिकागो टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन एटीन नाइन्टी थ्री तो बेसिकली एटीन नाइन्टी थ्री में क्या है अमेरिका में के एक शिकागो शहर में एक पार्लिमेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही थी क्या है धर्मों की धर्म सांसद एक तरह से आप कह सकते हैं तो उसमें विवेकानंद एक यंग विवेकानंद गए थे और तब आई थिंक वो तीस साल की उम्र थी उनकी एंड इसी ये जो जर्नी है उनकी द ग्रेट जर्नी उनकी वेस्ट की तरफ जो पश्चिम की तरफ जर्नी है, उसका रोमेरो वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं विवेकानंद है ना इधर ना उनके पास फंड्स थे ना लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल तो ना विवेकानंद के पास कुछ ज़्यादा पैसे थे और ना ही कुछ जो सिफारिश पत्र थे लेकिन फिर भी क्या है स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन लेकिन एक दृढ़ विश्वास था, था।, था। वहाँ पहुँचने का और इसी के चलते ही और केम सेवरल हार्डशिप्स एंड ऑबस्टिकल्स एंड फाइनली रीच द पार्लियामेंट और जहाँ पे ऑबियसली फिर आप हमें शायद आगे की कहानी पता है कि विवेकानंद बिकेम अ वर्ल्ड फेमस टीचर एंड एन एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजन एंड हिंदुज़म और इनका क्या फ़र्क था बाकी जैसे जो उस जो सभा थी पार्लियामेंट की द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजनस की ऑल दी अदर पीपल जो दूसरे धर्म के रिप्रजेंटेटिवस थे दे आर टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजन अबाउट देयर गॉड एंड देयर प्रैक्टिस लेकिन वट डिड विवेकानंदू वॉट इज सो स्पेशल ही प्रेजेंटेड हिंदुज़म एज द मदर ऑफ़ ऑल रिलीजन्स तो उनके अनुसार जितने भी जो धर्म बाद में राय हैं हमारी दुनिया में वो सब क्या है कहीं ना कहीं सबसे पुराना धर्म ऑर्गेनाइजेशन इज हिंदुज़म और सब वहीं से निकले हैं और उनके अनुसार जो दसेंस ऑफ हिंदुज़म जो वो पश्चिम वेस्ट को बताना चाहते थे वॉज द बिलीफ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या है यूनिवर्सल भाईचारा सब हम एक दूसरे से रिलेटेड है इंसान सब क्या है एक ही भगवान की uh, बच्चे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट यू नो दैट गॉड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर वन एंड इन द यूनिटी ऑफ द सोल एंड द सुप्रीम कि जितने भी जो ईश्वर है बेसिकली अलग अलग धर्म है भगवान एक ही है बस अलग अलग धर्म अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग रूपों में समझा है और अलग अलग सिम्बल्स और कहानियाँ दी हैं सो समथिंग लाइक दैट

प्लस वेस्टर्न सभ्यता से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दिस और इन दोनों का एक मिश्रण एक नया है क्योंकि जो ईस्ट के पास है वो वेस्ट के पास नहीं है और जो वेस्ट के पास है शायद ईस्ट के तो और ये चीज़ें चर्चाएं अभी तक चल रही है एंड विवेकानंद बॉर्न 1863 सिक्सटी डाइड इन नाइनटीन डाइड टू यंग यू नो ये जस्ट लाइक फोर्टी फोर्टी आई थिंक हाँ अराउंड फोटी ईयर्स ओल्ड हिज ओरिजिनल नेम वज़ नरेंद्र नाथ दत्ता एंड ही वॉज बॉर्न इन कैलकटा ये क्या है रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे एंड ही स्ट्रेस तो यूनिवर्सल एंड ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हुए तो वही आइडिया जो बार बार जो कि क्या है ईश्वर सा एक है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं सब इंसान बराबर है और यही सब आइडियाज़ पे वो विश्वास रखते थे और इनके इन्हें आगे बढ़ाते थे ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम और ही कॉल्ड फॉर द रिजुवनेशन ऑफ इंडिया नेशनल लाइफ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स तो इनका मानना था क्या है भारत को आगे बढ़ने के लिए एक रिजुविनेशन चाहिए बहुत चीज़ें फिर से क्या एक पुनर् पुनर्माण टाइप का कुछ होना चाहिए एंड इस पे ही स्ट्रेस दी एजुकेशन एजुकेशन एस्पेक्ट यू नो कैरेक्टर बिल्डिंग आगे के जो फ्यूचर के लिए फ्यूचर जनरेशन का एंड इन द ट्रू मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एक अच्छे व्यक्ति अच्छे सिटीजन्स बनाने के लिए उनका मानना था एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ही ऑल्सो ग्रेटली वैल्यूड इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस बट ऑल्सो वांटेड इंडिया टू यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज इन द वेस्ट टू फाइट पॉवर्टी तो एक तरफ क्या है भारत के पास बहुत कुछ है कल्चर है स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है बट एट द सेम टाइम वेस्ट क्या है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गया है विकास कर चुका है गरीबी हटा चुका है वो सब भी भारत को अपनाना है इन एटीन नाइन्टी सेवन ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन कैलकाटा टू प्रोपाउंड द बिल्फ ऑफ हिस् गुरू एंड इट कंटिन्यूज टू सेंड मिशनरीज टू द वर्ल्ड तो यह क्या अब क्या है रामकृष्ण मिशन एक है वो सेटअप किया था विवेकानंद ने और अभी तक वो ट्रस्ट काम कर रहा है ये सब इनके टीचिंग्स और काम को फैलाने का सो लेट्स गे डाउन टू दी एस ए तो बेसिकली अभी तक आपने देखा होगा ये जो ट्रेडिशनल आइडिया है जो बहुत समय से चल ही रहा है वेस्ट वर्स इज ईस्ट ईस्ट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्ट इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस इन साइंस है तो यही कहीं ना कहीं यही एक आप इसका थीम ले सकते हैं कैसे एक ईस्टर्न मैन यू नो अ वेरी डिवाउट वेरी स्पेशल मैन फ्राम द ईस्ट गोज़ टू द वेस्ट और वहाँ पे बताता है कि ईस्ट क्यों स्पेशल है क्योंकि वेस्ट के जो चकाचौंध है जो मशीन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साइंस है उसके बीच में शायद हम ईस्टर्न चीज़ें भूल जाते हैं और इसी क्या है हमें विवेकानंद जैसे लोगों की शायद बीच में ज़रूरत पड़ती है सो कमिंग डाउन टू द एसे शुरुआत में क्या है बेसिकली वो ये एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि विवेकानंद वॉज अ वेरी लाइक यू नो विलफुल पैशनेट आदमी तो उन्हे, उन्हें उन्होंने सुना इसके बारे में लाइक यू नो द जर्नी वॉज एन एस्टोनिशिंग एडवेंचर पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री रिलीजन्स के बारे में उन्हें सुना और क्या है ना ही उनके आसपास उनके दोस्तों उनके मित्र उनके किसी को पता था इसके बारे में लेकिन क्या है फिर भी उन्होंने निश्चिंत निश्चय कर लिया था कि वहाँ जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा सो वेरी इम्प्रैक्टिकली यू नो वेरी इंपल्सिव बट ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ भी ज़्यादा इन्फॉमेशन लेने की नहीं सोची ना ही एग्जैक्ट डेट कब हो रहा है और पार्लियामेंट में शामिल होने के रूल्स क्या है ये सब से क्या है स्पिरिचुअल आदमी थे उन्हें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में उनका शायद दिमाग में आया ही नहीं एंड दिज ओल आइडिया वॉज टू जस्ट लैंड अप दो वेरी वेरी लाइक डिटर्मिंड पर्सन है इन जोन में और उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन था कि ईश्वर उनके साथ है सो गॉड्स टाइम यू नो ही जस्ट हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम और वो वहाँ पहुँच जाएंगे जब उन्होंने विश्वास कर लिया वहाँ एक महाराजा थे खेतरी थे वो ही बॉट हिम दोट टिकट विवेकानंद के लिए तब क्या है बोट्स ये शिप से ट्रैवल होता था और एक क्या है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोब एक शायद वही जो गाउन उस तरह का जो विवेकानंद की आपने फोटो देखी हो जो बिल्कुल वो टर्बन ये सब एक गाउन पहन के होते हैं तो शायद वैसा ही एक गाउन उन्होंने क्या है महाराजा ने उनके लिए खरीद के दिया और फिर उन्हें आ, आगे भेज दिया शिप से सो so, अब ये क्या है कहाँ कहाँ से गई लेफ्ट बॉम्बे ऑन थर्टी फर्स्ट मे एटीन नाइन्टी थ्री वेंट बाई वे ऑफ सेलॉन यानी श्रीलंका तो एटीन नाइन्टी थ्री मे में वो निकले करते करते सिंगापुर हॉन्गकॉन्ग कैंटन जापान लेते ले पहुँचते पहुँचते क्या है काफ़ी वो चाइना और जापान में घूमे और वहाँ पर उन्होंने वही देखा कि जैसे एक तो उनका जो ऑलरेडी जो एक विश्वास था आइपोथीसिस था कि क्या है एंशेंट uh, इंडिया जो भी कि रिली जो एनशेंट इंडिया का जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है वो पूरे ईस्ट या फिर एशिया में दिखता है सो देर इन ही टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ एशिया की यानी ये जो एशिया जो ईस्ट है कहीं ना कहीं सब क्या है एक जैसे ट्रेडिशंस है क्योंकि आप अगर देखें तो जो गीता के आइडियाज़ हैं वो आपको बाकी फ़िलासफीज़ में भी मिलते हैं कहीं ना कहीं आपको शायद चाइनीज़ ये एंड जापनीज बुद्धिज़्म जेन ये सब दाउज़म में मिले या फिर ऑब्वियसली इवन टिबन जो गया है कहीं ना कहीं भारत से ही शुरुआत ही हुई इस चीज़ की एंड देन यू टॉक अबाउट वैदिक रिलीजन हिंदुजम साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स वेयर ही टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ़ दिस उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगा कि जब उन्होंने देखा कि जापान कितना आगे बढ़ चुका है यानी प्रोग्रेस के मामले में गरीबी हटाने के मामले तो उन्हें कहीं ना कहीं दुख भी हुआ इस बात का फाइनली फ्रॉम जापान ही वेंट ऑन टू कैनेडा और वहाँ से जुलाई में वो मे में निकले थे लास्ट ऑफ मे में तो कुछ दो महीने बाद वो जुलाई में शिकागो पहुँच गए लेकिन अब वही इम्प्रैक्टिकलिटी यू नो इन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था वहाँ सीधा पहुँच जाएंगे और शिकागो में आके ऑबियसली उन्होंने उन्हें, उन्हें काफ़ी शौक भी लगा देख जब उन्होंने वेस्टर्न चकाचौन देखी द इन्वेंटिव जीनियस द पावर द रिचेज एंड यू नो और उन्हें बहुत यानी इन चीज़ों से बिल्कुल वो उसमें घुस गए अच्छे से देखने लगे समझने की कोशिश की उन्होंने लेकिन फाइनली जब इस सब के बीच वो जब वेस्ट से बहुत इंप्रेस हो गए थे खासकर उसके डेवलपमेंट से जब वो फाइनली जो पार्लियामेंट के पास जहाँ होनी थी तो पहुँचे तो पता लगा कि पार्लियामेंट रिलीजन तो क्या है सितंबर में होनी है और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और अब क्या है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऑफिशियल रेफरेंस सिफारिश के बिना अब वो पार्लियामेंट में शामिल नहीं हो पाएंगे अब ऐसी स्थिति में ना उनके पास ज़्यादा पैसे थे और ना वो किसी जा को जानते थे एक नए देश में सो so, कहीं ना कहीं ही वर्म्ड उन्होंने वापस मद्रास में कुछ लोगों से मदद मांगी एक रिलीजियस सोसाइटी से पैसों के लिए ले। लेकिन वही है बट ऑफिशियल सोसाइटीज डू डो नॉट फोकिव इंडिपेंडेंस ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं चाहे सरकार हो या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन हो उनमें क्या है आज़ादी को ज़्यादा इज़्ज़त नहीं करते हैं उन्हें सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलो तभी वो मदद करते हैं तो इसीलिए चीफ ऑफ द सोसाइटी सिंपली सेंट सेड लेट द डेविल डाई ऑफ कोल्ड शैतान को मरने दो खुद से गया था अपनी मर्जी से उसे मरने दो बट द डेविल नाइदर डाइड नॉट अप ही एम सेल्फ अपॉन फेट और वो क्या है उनके पास जो कुछ पैसे बचे थे विवेकानंद लेके एक दूसरे शहर जाने लगे बॉस्टन और जहाँ पे फेट हेल्प डेम बिकॉज फेट हेल्प्स दोज वो नो हाउ टू हेल्प दम ट्रेन में ही क्या है उनके एक जो एक रिच मैसे एक रिच औरत थी जो उनके साथ घूम रही थी उन्हें शायद कुछ प्रभाव दिखा या फिर कुछ दिखा महसूस हुआ विवेकानंद के बातों में या उनके साथ बैठकर और साथ ही और भी कई जो हाई क्लास के लोग एक हेलनिस जे एच राइट जो हारवर्ड जो एक टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये सब क्या है ये इस यंग हिंदू विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने ही फिर उन्हें पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स के लिए एक सिफ़ारिश पत्र लिखा और कुछ पैसे और उनका एक क्या है एक रेलवे टिकट भी ख़रीद के दिया ताकि वो वापस शिकागो जा पाए तो एक न कहीं ना कहीं विवेकानंद के लिए रास्ते खुल गए थे अब वो उन्हें उनके पास सब कुछ था सिफारिश पत्र था उन्हें अब पता था कहाँ जाना है लेकिन फिर अगेन द प्रैक्टिकल बिट कम्स इन विवेकानंद ने क्या है जो एड्रेस था जहाँ उन्हें जाना था वो खो दिया और अब जब वो शिकागो में पहुँचे तो उन्हें पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है तो वो बस इधर और ना ही उनके पास कुछ पैसे थे और रिमेंबर दिस इज़ नाइनटीन सेंचुरी अमेरिका अभी भी यहाँ रेसिज्म बहुत था स्लेवर स्लेव हिस्ट्री तो वो एक ब्राउन आदमी बै वहाँ पे बैठा है और फिर उन्हें तो क्या है जैसे इंडिया में गए है हम लोग सन्यासी या फिर जो जो इस तरह के रिलीजियस लोग होते हैं बाबा साधु इस तरह के लामा वो कहीं पे भी जाके भिक्षु बनके पैसे या फिर कुछ खाना मांगते हैं और लोग उन्हें देते हैं बड़ी इज्जत से अब लेकिन ये क्या है ये अमेरिका में अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ कैपिटल मेहनत करो काम करो और खाओ और पैसा कमाओ उस तरह का फलासफी है वहाँ पे तो ऐसे में जब विवेकानंद ने भी कुछ ऐसा ही कोशिश किया बिल्कुल सन्यासी बनकर भिक्षा मांगने की एक दिन तो क्या है वो ट्रेन स्टेशन पे सो गए लेकिन फिर फाइनली देन यू नो वो कई दरवाज़ों पे गए कहीं पे उनको उन्हें गालियाँ मिली कहीं पे उनके मुंह पे दरवाज़ा मारा गया और करते करते लेकिन जब वो बिल्कुल एक हताश बैठे हुए थे तभी क्या है एक खिड़की से किसी ने उन्हें नोटिस किया और उनकी जो वेशभूषा देख कर शायद पूछा कि क्या आप पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स के लिए तो नहीं आए हैं देखिए किस्मत देखिए या फिर आप जो भी बोलिए शायद विवेकानंद की के अंदर कुछ गुण था कुछ आकर्षण था तो करते करते इस सब के बीच बेसिकली वो अपनी गंतव्य डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे सो ही वॉज़ इन्वाइटेड इन और फिर से अब क्या है वो फाइनली जहाँ पे पहुँचना चाहते थे पहुँच गए थे पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स में और उन्हें बाकी ओरिएंटल या फिर जो ईस्ट से आए डेलीगेट्स थे उनके साथ बिठाया गया तो वही ये सब कठिनाओं के बीच हमारे जो हीरो है विवेकानंद फाइनली पहुँचे और अब क्या है 11 सितंबर 1893 को पहला सेशन था तो कार्डिनल गिबन्स जो क्रिश्चियन है और उनके साथ कई जो ब्रह्मो समाज के लोग जैन लोग बुद्धिस्ट ऑफ श्रीलंका कई जो और भी जो धर धार्मिक रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स थे सब अपना पक्ष रख रहे थे सब बात कर रहे थे एनी बसंत थियोसॉफिकल सोसाइटी और हाँ जो गांधी रिप्रेजेंटिंग द जैनस है वो महात्मा गांधी नहीं है कोई और गांधी है ठीक है एंड तो इस सबके बीच में क्या है हर कोई जब अपने अपने सेक्ट की बात करा था विवेकानंद आते हैं हु रिप्रेजेंटेड नथिंग एंड एवरी वो क्या है किसी एक सेक्ट अपने ग्रुप के बारे में नहीं बात करते थे वो एक तरह से क्या है पूरे इंडिया की पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे थे एंड दैट्स वाई ही स्पीच वॉज वेरी स्पेशल आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन Uh, और ऊपर से क्या है एक ऑब्वियसली कुछ होता है शायद जो ऐसे जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं या फिर जो गुरु धार्मिक गुरु टाइप उनके एक एक दैर इज़ अ प्रेजेंस यू नो उनके शायद चेहरे में एक तेज होता है या उनके बस एक पर्सनैलिटी होती है और इस सब का प्लस जिस तरह के उन्होंने कपड़े डाले थे एंड प्लस उनके जो बोल हैं इस सब का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जो पूरी ऑडियंस है और जो बाकी लोग भी है क्या सब उनसे मुग्ध हो गए देवर ऑल फैसिनेटेड बाय हिम देवर इम्प्रेस बाय हिम एंड इस्पेश और फाइनली जब उनके बोलने का मौका आया तो स्पीच वॉज लाइक अ टंग ऑफ फ्लेम आग जैसी स्पीच थी अमंग द ग्रे वेस ऑफ कोल्ड क्योंकि इससे पहले क्या है कोल्ड सब ने अपना बड़ा थियोरेटिकल जो जैसे कुछ क्लासरूम जो बोरिंग टीचर कोई पढ़ा रहा है उस तरह से बात हो रही थी बिल्कुल एकेडमिक फिर विवेकानंद आते हैं और फिर उन्होंने उन्होंने अभी तक क्या ही कैप डिफरिंग वो अपनी टर्न वो लास्ट में बोलना चाहते थे तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले लोगों की बारी आई वो बस विवेकानंद इंतजार करते रहे और फिर वो लास्ट में उठे और एक छोटा सा उन्होंने एक स्पीच दिया you know. और शुरुआत कैसे हुई उस स्पीच की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका और उसी के साथ जैसे ही उन्होंने बोला अमेरिका के भाई और बहनों कई जो सौ लोग जो है जो ऑडियंस थी जो आ, कई जो हज़ारों की तादाद में वो अपने सीट से उठ खड़े हुए और खूब अपलाज मिला उन्हें यू नो वह मिली क्यों क्योंकि इससे पहले क्या सब जो फॉर्मलिज्म एक जो सांसद की जो ऑफ रिलीजन उसी भाषा में बड़े फॉर्मल होके बात करते थे विवेकानंद पहले इंसान थे जिन्होंने बिल्कुल क्या एक आम आदमी की तरह और बाकी इंसानों को संबोधित किया जैसे बहनों और भाइयों अमेरिका के जैसे मोदी जी करते हैं मित्रों उस तरह का यू नो सो ही वाज नॉट फॉर्मल एंड ही ग्रीटेड द यंगेस्ट ऑफ द नेशंस इन द नेम ऑफ़ द मोस्ट एंशियट मोनास्टिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड तो जो यंगेस्ट ऑफ द नेशन अमेरिका फ्री उस समय जो क्या है इट इज स्टिल अ यंग नेशन उसको वो किस दर्जे से संबोधित कर रहे थे वेदिक ऑर्डर जो वेदों का जो सन्यासी जो ग्रुप है उसके नाम से एंड ही प्रेजेंटेड हिंदुजम एज द मदर ऑफ रिलीजन्स और फिर वो कुछ कोर्ट्स करते हैं अंडरस्टैंड वन एंड एक दूसरे को आप एक्सेप्ट कीजिए समझिए और फिर हुएवर कम्स गीता से कुछ वो कोर्ट्स देते हैं हुएवर कम्स टू मी थ्रू व्हाट्स फॉर्म आई रीच हिम यानी कि आई क्या है बेसिकली इसमें क्या है कृष्ण या भगवान या जो डिविनिटी को आप बोल रहे हैं तो वो इंसान से मनुष्य कह रहा है कि जो भी मेरे पास आए थ्रू वट एवर फॉर्म किसी भी रास्ते से चाहे चल के आ रहे हैं कूद के आ रहे हैं तैर के आ रहे हैं या क्रिश्चैनिटी से आ रहे हैं या कुरान पढ़ कर आ रहे हैं या फिर जो भी मेडिटेशन करके आ रहे हैं वो मेरे पास पहुँच जाते हैं ऑल मैन आ स्ट्रगलिंग थ्रू पार्थ विच इन द लेंड एंड दें लीड टू मी क्योंकि क्या है सारे मनुष्य क्या है रास्तों पर भट स्ट्रग स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सारे रास्ते क्या है मुझे ही तक पहुंचते हैं विच इज़ द डिवाइन गॉड द यूनिवर्सल डिविनिटी क्योंकि अभी तक क्या है हर जो भी स्पीकर था उन्होंने अपने भगवान की बात की या फिर अपने सेक्ट अपने ग्रुप की भगवान की एक विवेकानंद ही थे जिन्होंने क्या है सब भगवानों की बात की और उनको बताया कि सब एक हैं ये क्या है राम उनके गुरु रामकृष्ण की ही टीचिंग्स थी और अब क्या है उनके सबसे जो महान शिष्य विवेकानंद के मुंह से निकल रही थी और इस सब के चलते ऑब्वियसली पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स क्या है और तब से अभी तक आप देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस या फिर रिकॉर्डिंग्स है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है और ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि सब ने खड़े होकर उनकी स्पीच को बहुत सड़ाया सो प्लीज़ गो थ्रू दी एस ए नो इंडिया एक बार अपने से पढ़िए इसको कोशिश करी सो वेरी ब्यूटिफुल एस एंड लिसन टू द एक्चुअल लाइक फोर फाइव मिनट का जो एड्रेस था उनका विवेकानंद का उसका आपको लिंक um, में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एंड गो थ्रू द एक्सरसाइजेज रेफरेंस टू एक्स कंटेक्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स ऑल ऑफ दैट है एंड आई नो दिस इज वॉर्ड ऑफ अ डिफिकल्ट एस ए अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे कोई दिक्कत हो प्लीज़ लेट मी नो या थैंक यू